कश्मीर पर ड्रैगन ने फिर मारी पलटी। ड्रैगन ने दिखाया अपना असली रंग। मुलाकात से पहले चीन पर सख्त हुआ भारत। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चीन के साथ अनौपचारिक शिखर वार्ता की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बीच चीन ने कश्मीर को लेकर ऐसा यूटर्न मारा है कि भारत भड़क गया। दो दिन पहले तक जो चीन कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला बता रहा था, वो अगले ही दिन इससे पलट गया। चीन ने अपने बयान से यूटर्न लेते हुए कहा कि उसकी नजर कश्मीर पर बनी हुई है और भारत और पाकिस्तान को ये मसला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक ही हल करना चाहिए। ड्रैगन के इस बदले रंग पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। चीन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा में 48 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और इस मसले पर भारत किसी भी तरह की विवादित टिप्पणी को स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल जिनपिंग के भारत दौरे से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के आगे गिड़गिड़ाने पहुंच गए थे। इमरान ने यहां चीनी प्रीमियर के साथ साथ राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि पाकिस्तान की ओर से उसे जम्मू कश्मीर के ताजा हालात के बारे में बताया गया है। चीन इस मामले पर नजर बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर का मसला पुराने इतिहास का विवाद है, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियमों के हिसाब से ही सुलझाना चाहिए। चीन किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करता है, जिससे हालात खराब हो सकते हैं। चीन के इस बयान पर भारत की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हमने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच बैठक के संबंध में रिपोर्ट देखी है, जिसमें उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान कश्मीर का भी उल्लेख किया है। इस पर भारत का पक्ष पुराना ही है और ये स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। चीन हमारे पक्ष से अच्छी तरह से वाकिफ है। भारत के आंतरिक मामलों पर किसी दूसरे देश को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार को हांगकांग के मुद्दे पर चीन को घेरना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि शी जिनपिंग कहते हैं कि वो कश्मीर पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय क्यों नहीं कहते कि हम हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के दमन को देख रहे हैं, हम शिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन को देख रहे हैं, हम तिब्बत में लगातार हो रहे अत्याचारों को देख रहे हैं, हम साउथ चाइना सी को भी देख रहे हैं। दरअसल कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाला चीन खुद हांगकांग में प्रदर्शनकारियों का दमन कर रहा है, वहीं उइगर मुसलमानों पर उसका अत्याचार हर दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जिनपिंग 11 अक्टूबर को महाबलीपुरम में पहुंच रहे हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होनी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीमा विवाद को लेकर भी बातचीत हो सकती है। रही बात कश्मीर की, तो भारत पहले ही हर मंच पर इसको लेकर अपनी स्थिति साफ कर चुका है। अध्यक्ष महोदय, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी है।